हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 मोशन के न्यूमेरिकल्स। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में थ्योरी पढ़ी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को पढ़ा और उनके फॉर्मुलेस जाने। अब इनके बारे में हम थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, एग्जाम्पल 8.1 जो एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें बोला है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड निकालनी है। बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकेंड के अंदर, फिर उसकी आगे 16 मीटर ट्रेवल कर रहा है 2 सेकेंड्स के अंदर, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उस ऑब्जेक्ट ने कितना किया, 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। देन टोटल टाइम टेकन, उसने इस 32 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना लिया, 6 सेकेंड्स। देन एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो डिवाइड करके क्या आएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8.2 एनसीईआरटी का। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 24,000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इफ द ट्रिप टूक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार इन किलोमीटर पर आवर्स एंड मीटर पर सेकेंड। सो एक कार है, उसके ओडोमीटर ने जब वो स्टार्ट हुई तो 2000 किलोमीटर दिखाया डिस्टेंस। जब वो एंड तक पहुंच गई तो अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना दिखा रहा है ओडोमीटर ऑफ कार, 2400 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उस कार ने कितना टाइम लिया है, 8 आवर्स। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना चाहती हूँ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टाइम तो हमें पता ही 8 आवर्स लिया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, जितना एंड में किया है उसको स्टार्टिंग वाले को उसमें से माइनस कर देंगे। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड बाय कार कैसे निकालेंगे, जो एंड वाला डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर उसमें से माइनस कर देंगे जो स्टार्टिंग में था डिस्टेंस, माइनस 2000 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 400 किलोमीटर। देन टोटल टाइम टेकन कितना है, 8 आवर्स। अब क्या निकालना है हमने, एवरेज स्पीड। 400 किलोमीटर हमारा क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, एंड डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से। 400 को डिवाइड करेंगे 8 से, सो एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, 50 किलोमीटर पर आर। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि किलोमीटर पर आर में भी निकालो और मीटर पर सेकंड में भी निकालो। सो क्या करेंगे, 50 को हमें, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आर में है, सो अब हमें इसको मीटर पर सेकंड में भी, एवरेज स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 50 किलोमीटर में कितने होंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। इसी तरीके से 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। हमें सेकंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं वो निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आवर्स में है, तो 1 आवर का निकालना है कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि वो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट किया है हमने, और
वन आवर को कन्वर्ट किया है सेकेंड्स में तो 3600, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, सो ये आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये अब हम करेंगे एग्जाम्पल 8.3। इसमें क्या रहा है, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक उषा है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम कर रही है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो उषा है वो 90 मीटर पूल में तैर रही है, वो पहले सीधा जाती है और फिर दोबारा वापस आ जाती है। सो जब इस पूल का डिस्टेंस 90 मीटर है, जब वो यहाँ जाएगी तो 90 मीटर ट्रैवल करेगी, फिर जब वापस आएगी तो 90 मीटर ट्रैवल करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 180 मीटर। और कह रहे हैं कि वो 180 मीटर मतलब यहाँ जाती है फिर दोबारा आ जाती है एक मिनट के अंदर, उसको 180 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय उषा कितना है, 90 प्लस 90, क्योंकि एक बार आ रही है फिर दोबारा जा रही है, सो 90 प्लस 90 इज 180 मीटर। और 180 मीटर वो कितने मिनट में ट्रैवल कर रही है, 1 मिनट में ट्रैवल कर रही है 180 मीटर को। सो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस किसने कितना कवर किया है, 180 मीटर डिवाइड बाय 1 मिनट। अब देखो जो हमारी SI यूनिट होती है एवरेज स्पीड की, वो या तो मीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर पर आवर होती है, बट यहाँ मिनट है तो हम क्या करेंगे, मिनट को चेंज कर देंगे सेकंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। सो 1 मिनट को चेंज करके हमने कैसे लिख दिया, 60 सेकंड्स। अब 180 को 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे, सो 3 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ जाएगी उषा की। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट कितनी है, 0 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब उसका उषा का स्टार्टिंग पॉइंट भी ये था, फाइनल पॉइंट भी यही था। क्यों, उषा यहां से स्विम करके गई इधर पूल के एंड तक, फिर वापस आ गई स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा कितनी है, 0 मीटर। और टोटल टाइम टेकन बाय उषा यहां जब वो गई और वापस आई, 180 मीटर उसने कितने में ट्रेवल किया था, 1 मिनट में। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 मीटर प्लस डिवाइड बाय 1 मीटर। लेकिन अब हमने जब हमने पीछे पढ़ा था तो हमने कहा था कि एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो सेम होती है, मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आवर होगी। सो यहाँ पे भी हमें फिर से ये मिनट में है तो मिनट को चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स में, मिनट को चेंज कर दिए सेकंड में। अब जीरो को डिवाइड करेंगे 60 सेकंड से तो 0 मीटर पर सेकंड आएगी एवरेज वेलोसिटी।